हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। मेरा 9 महीना कंप्लीट होने वाला है, अभी तक लेवर पेन के कोई सिम्टम नजर नहीं आ रहे हैं। मेरी डिलीवरी कब होगी? मेरी डिलीवरी डेट भी निकलने वाली है मैम, अभी तक लेवर पेन नहीं आया है, अब मुझे कब तक वेट करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके डिलीवरी लेट होने के या समय पर लेवर पेन ना आने के क्या क्या कारण होते हैं, जो अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो जल्दी से सुधार लीजिए, जिससे कि आपका समय पर लेवर पेन आ जाए और आपकी डिलीवरी जल्दी हो जाए, डिलीवरी लेट ना हो। तो इसके कुछ कारण भी बताऊंगी, साथ में कुछ गलतियां सुधारने की भी आपको सलाह दूंगी, जिससे कि आपका 9वें महीने में समय पर लेवर पेन आ जाए और आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाए। जैसे कि फ्रेंड्स, 37 वीक से 40 वीक तक कभी भी आपको लेवर पेन आ सकता है, ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल बात होती है। जैसे ही आपका 9वां महीना लगता है और 9वां महीने को 1 वीक निकल जाता है, 37 वीक आपका लग जाता है, तब भी अगर आपको लेवर पेन आ जाता है और आपकी डिलीवरी हो जाती है तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। लेकिन आपको वेट ओनली डिलीवरी डेट तक ही करना चाहिए। जो डॉक्टर ने आपको LMP के अकॉर्डिंग डिलीवरी डेट दी है, आपको लेबर पेन के लिए तभी तक वेट करना चाहिए, उसके बाद वेट नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगर आप ज्यादा वेट करती हैं तो गर्भ में बच्चे का जो गर्भनाल होता है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और बच्चे को पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, इसलिए रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए आप अपनी डिलीवरी डेट निकलने के बाद और वेट ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से सलाह लें। अब बात करते हैं कि आपका लेबर पेन किन कारणों की वजह से समय पर नहीं आ पाता है, क्या क्या आप गलतियां करते हैं। सबसे पहली बात जो होती है फ्रेंड्स, वो होती है आपका एमनियोटिक फ्लूइड लेवल कम रह जाना या बहुत ज्यादा हो जाना। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में ठीक तरीके से पानी की मात्रा पर ध्यान नहीं देती हैं, पानी कम मात्रा में पीती हैं, ज्यादा लिक्विड नहीं लेती हैं, कुल मिलाके आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो ऐसे में गर्भ के अंदर भी पानी की कमी हो जाती है, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड वाटर कम हो जाता है। ऐसे में क्या होता है फिर कि बच्चा आपका ठीक तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाता है और अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाता है। इसीलिए आप अपने एमनियोटिक फ्लूइड लेवल को सही बनाए रखने के लिए पानी खूब पिए, जूस पिए, नारियल पानी आप पिए, साथ में जितने भी सीजनेबल फल आने वाले हैं अभी गर्मियों के, वाटरमेलन, मस्क मेलन में पानी ज्यादा पाया जाता है, जैसे खीरा आने वाला है, ये सारी चीजों का आप सेवन जल्दी से करना स्टार्ट कर दें, जिससे कि आपके अंदर जो पानी की कमी हो रही है वो पूरी हो जाए और आपको लेबर पेन समय पर आ जाए। इसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड का ज्यादा होना। जब आपके घर में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज्यादा होती है तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चा पूरे पानी में एमनियोटिक फ्लूइड में तैरता रहता है, अपनी पोजीशन फिक्स नहीं कर पाता है। तो जब आपके घर में एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा होगा तो ऐसे में बच्चा क्या करेगा कि अपनी पोजीशन फिक्स नहीं कर पाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड वाटर में वो स्विमिंग ही करता रहेगा, मतलब अपनी पोजीशन फिक्स करने की कोशिश तो करेगा लेकिन वो नहीं कर पाएगा, मतलब कि बहुत ज्यादा मूवमेंट आपको उस टाइम पे फील होंगे। इस वजह से ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड वाटर होने की वजह से बच्चा अपनी पोजीशन फिक्स नहीं कर पाता है, जिस वजह से आपको लेबर पेन फिर नहीं आते हैं। जब आपका एमनियोटिक फ्लूइड लेवल ज्यादा हो जाता है तो ऐसे में आपको सलाह दी जाती है, डॉक्टर भी शायद आपको बताएंगे कि आपको शुगर है वो कम लेनी चाहिए, मतलब जो मीठा है उसकी मात्रा आपको कम कर देनी चाहिए, मीठा अवॉइड करना चाहिए। दूसरा कारण होता है फ्रेंड्स, वेट। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है या बहुत ज्यादा कम है, जैसे कि फ्रेंड्स अगर आप दुबले पतले हैं, स्लिम है, तो आपका प्रेगनेंसी में 10 से 15 किलो वजन बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका वजन जैसे कि 10 से 15 किलो तक नहीं बढ़ पाता है तो ये कारण भी एक होता है कि आपका जो लेबर पेन होता है वो लेट हो जाता है या नहीं आता है। इसीलिए अपने वेट को बढ़ाने के लिए, आप बहुत ज्यादा स्लिम है, आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो आप जैसे कि कीवी खाएं, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें 5 महीने के बाद से, तो इससे आपका वजन शर्तियां बढ़ेगा और आपकी डिलीवरी में कोई परेशानी नहीं आएगी, लेबर पेन भी समय पर आ जाएगा। इसके बाद अगर आप ओवरवेट हैं, मतलब आप ऑलरेडी फैटी हैं, मतलब आपने आपका वेट ज्यादा है, तो ऐसे में सिर्फ आपका 8 से 9 किलो तक वजन ही बढ़ना चाहिए, इससे ज्यादा बढ़ जाता है तो आप ओवरवेट हो जाते हैं। ओवरवेट में फिर लेबर पेन आने में दिक्कत होती है, लेबर पेन फिर नहीं आते हैं, आते भी हैं अगर तो बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं। इसीलिए अपने वजन को मेंटेन रखें। अगर आपका वजन ऑलरेडी ज्यादा है तो ऐसे में आप लिक्विड ज्यादा से ज्यादा लें, जैसे कि पानी खूब पिए, आप जूस खूब पिए और नारियल पानी खूब पिए, ऐसी चीजें पिए जिससे आपका वजन ना बढ़े, केवल गर्भ में बच्चे का वजन बढ़े। तीसरा इसका रीजन होता है, अगर गर्भ में आपका बच्चा कमजोर है, मतलब कि बहुत ज्यादा वीक है, वजन बहुत ज्यादा कम है बच्चे का, तो ऐसे में बच्चे क्या करेगा कि आपके सर्विक्स पर, मतलब बच्चेदानी
पर ज्यादा दबाव नहीं डाल पाएगा। इस वजह से आपको लेवर पेन नहीं आएंगे भी तो बहुत ज्यादा देरी से आएंगे। इसीलिए अगर आपके बच्चे का वजन भी कम है तो अभी से आप ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन डाइट लीजिए। प्रोटीन डाइट में दूध खूब लीजिए, आप पनीर खाइए, दही अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, प्रोटीन पाउडर दूध में डाल के पीजिए। जो भी डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं वो आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। अगर डॉक्टर ने आपके कोई भी प्रोटीन पाउडर नहीं बताया है तो आप मामास प्रोटीन एक्स आता है वो ले सकते हैं, या नॉर्मल प्रोटीन एक्स आता है वो आप दूध के साथ ले सकते हैं। इसके साथ ही अपनी डाइट में रोटी ज्यादा लें, दाल ज्यादा लें, बीन्स ज्यादा लें, बीन्स में जैसे कि राजमा है और सोया है, ये चीजें आप ज्यादा लें। इससे क्या होगा कि आपके बच्चे का वजन गर्भ में तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। चौथा रीजन होता है बेबी पोजीशन गलत होना। अगर घर में आपके बच्चे की पोजीशन गलत है, मतलब कि पैर नीचे है और सर ऊपर है, मतलब बेबी ट्रांसवर्स या ब्रीच पोजीशन में है, या तो बच्चा आड़ा है या उल्टा है, तो ऐसे में क्या होगा कि बच्चा आपका बच्चेदानी पर ज्यादा दबाव नहीं डाल पाएगा, मतलब बच्चेदानी के मुंह पर दबाव नहीं पड़ेगा, जिस वजह से आपको लेबर पेन नहीं आएगा। तो आपके बच्चे की पोजीशन सही हो पाए गर्भ में, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको कब्ज नहीं होने देना है। कब्ज पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो जब आपको कब्ज नहीं होगी तो बच्चे को गर्भ में जगह मिलेगी और बच्चा इजीली अपना हेड डाउन कर पाएगा, मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर पाएगा। इसके साथ ही आप एक्टिव रहें जिससे कि बच्चे को मूवमेंट करने में आसानी हो, पेट में जगह मिले, जिस वजह से बच्चा अपनी पोजीशन चेंज कर पाए। इन चीजों का आप स्पेशली ध्यान रखें। पांचवें इसके रीजन होता है फ्रेंड्स ज्यादा रेस्ट करना। अगर आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी में सब कुछ नॉर्मल है, डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट या किसी भी तरीके की रेस्ट के बारे में नहीं बोला है, तब भी अगर रेस्ट करती है तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी जो मसल्स हैं, पेल्विक मसल्स हैं, वो टाइट की टाइट ही रह जाएंगी, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, मतलब वो लूज नहीं पड़ेंगी, जिस वजह से भी आपको लेबर पेन नहीं आएगा। तो ऐसे में आप क्या करें, जैसे आपका नौवां महीना लग जाता है, सीढ़ियां उतरना चढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, एक्सरसाइज करिए, आप स्क्वाटिंग करिए, इसके साथ वॉकिंग आप डेली करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप डेली कर सकते हैं। इन चीजों को करने से क्या होगा कि आपकी जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल बनेंगी, उनमें लचीलापन आएगा और आपको लेबर पेन भी समय पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी वो ऐसी पांच गलतियां जो आपको अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अगर आप अपनी समय पर डिलीवरी चाहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स अब आप इन गलतियों को सुधार लेंगे और अब आप ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबसे लेती हूँ विदा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।